स्कूल में जब एक बार बच्चा 10वीं या 12वीं क्लास में फेल हो जाता है तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसे अब पास होने के लिए एक साल का इंतजार करने के बाद ही परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये घोषणा की है कि साल 2025-26 से कोई भी स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड से 10वीं या 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, वो साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा दे पाएगा। इसके बाद जो भी स्कोर बेस्ट होगा वही फाइनल माना जाएगा। शिक्षा को लेकर स्टूडेंट्स का तनाव कम करने के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में बैठने का मौका देने के लिए ही ये निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का ये कहना है कि इससे स्टूडेंट्स को परीक्षा में नंबरों का प्रेशर कम होगा और उनके पास मार्क्स को स्कोर करने के 2-2 चांस होंगे। खास बात यह है कि साल 2025 से CBSE बोर्ड के सभी एग्जाम JEE की तर्ज पर लिए जाएंगे। आपको ये निर्णय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।